गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज नया दिन है और नया व्लॉग और वही पुराना दोस्त अपना अजय भाई फ्रेम में। सो जैसे टाइटल और थंबनेल से आपको पता लग गया होगा हम लोग जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग आज जा रहे हैं धोलावीरा। सो अभी फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से और जाना एक और दोस्त के पास और उसको पिक करते हैं, फिर आगे की जर्नी हम आगे बताते हैं। हम लोग दो में से हो चुके हैं तीन, ये भाई भी अभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सो आगे की जर्नी हम लोग तीनों जने कंटिन्यू करेंगे। सो फिलहाल हम लोग निकले हैं, अभी आदिपुर से हैं, अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, सब सामान वामान सब सेट हो चुका है, बहुत सारा प्लानिंग है। आई थिंक आगे जैसे जैसे एग्जीक्यूट होता है वैसे वैसे बताता जाऊँगा, बट फिलहाल कोई भरोसा नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम है, कुछ हो एग्जीक्यूट ना हो तो जैसे जैसे होगा वैसे ही बता दें। तो हम लोग रुके अभी यहाँ पे टी ब्रेक के लिए। अभी टाइम हो रहा है भाई, कितना टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 11 बजे के करीब और हम तीनों हो चुके हैं साथ में। यहाँ पे थोड़ा सा चल रहा है गड़बड़ी क्योंकि गाड़ी का आगे का वाइपर में कुछ दिख नहीं रहा है, तो पानी नहीं था। सो वाइपर वाला जो पानी आता है स्टोरेज का, वो पानी नहीं था। सो अभी फ़िलहाल हम लोग पानी यहाँ पर डालेंगे क्योंकि थोड़ा विजिबिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। सो पीछे है यहाँ पर होटल, वहाँ पर हम रुके एक टी ब्रेक और फिर आगे का जर्नी करते हैं कंटिन्यू। Cheers. अच्छा बनाया काफ़ी। जब भी चाय पीने आओ तो मोस्ट ऑफली आप प्रीफर करना कि आप ऐसी टपरी पे आओ, क्योंकि तो यहाँ पे जो चाय बनती है एकदम फ्रेश बनती है। तो हम लोग भी यही सोच रहे थे कब से कि चाय पीनी है, लेकिन हम लोग टपरी की वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे शाम के से थोड़ा आगे हम लोग रुके हैं। सबसे पहले हम लोग जाएँगे यहाँ से ब्रजवाणी करके एक विलेज है और मंदिर है, तो पहले हम जो गए वहाँ पर, उसके बाद हम लोग जाएंगे धोलावीरा का प्लान है। सो देखते हैं कितना और भी सारा बहुत सारा प्लान है, कितना एग्जीक्यूट होता है कितना नहीं होता है। कितने खतरे दुनिया भर के इकट्ठे हैं यार, दिस इज टू मच यार। ये है हमारा नेशनल हाईवे 15, नेशनल हाईवे 15 और इसकी हालत देखो। टाइम हो चुका है 12:20 और हम लोग पहुँचे अभी रापर में। सो हम लोग के सिटी में थोड़ा नॉइस आएगा गाड़ियों का, तो अभी फ़िलहाल प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से लेंगे तिरंगा अपना और कुछ क्रिएटिव करते हैं। सो जो भी होगा अगर मिल जाता है यहाँ से तो फिर हम लोग आगे देखते हैं, और उसके बाद फिर तिरंगा मिलता कुछ क्रिएटिव करके मेरा जो इंस्टाग्राम आई डी उस पर मिल जाएगा, तो ये भाई से मिले। पहले लेते तिरंगा, उसके बाद फिर आगे की जर्नी अपनी कंटिन्यू करते हैं। ये किया हम लोगों ने फाइनल। सो फाइनली हमें मिल चुका है हमारा तिरंगा और अभी इससे कुछ करेंगे, क्रिएटिव शॉट्स लेंगे। सो अभी हम लोग गए रापर में और फिर यहाँ से हम लोग आगे के लिए अभी स्टार्ट करते जर्नी। तो कुछ लेना था सामान वो भी ले लिया, तो फिलहाल अभी है सिटी में, तो थोड़ा बाहर निकल कर करते हैं आगे की बात। सो चलो लेट्स गो। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं और जो भेड़ बकरी है इसका हम लोग दूध लेंगे, क्योंकि हम लोग चाय का पूरा सामान लेकर आए तो दूध नहीं था, तो इस बार सोचा थोड़ा अलग से करते हैं। सो भाई को बोला है कि दूध के लिए और उन्होंने हाँ भी कर दिया है, तो अभी जाते हैं यहाँ से दूध लेते हैं फिर आगे जाएँगे और चाय वाय बनाएंगे। खाने का तो अभी कोई आइडिया नहीं है, रापर पीछे रह गया, खाना देखते हैं आगे मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे और उसके साथ दिखाते हैं हम लोग कैसे ये दूध निकलते हैं। मारी बेटी कुन्नी सरे सचिन
समथिंग बियॉन्ड, अभी ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा कि बीच रास्ते पे हम लोग दूध ले रहे हैं और डायरेक्टली यहाँ से, बीच में से कोई नहीं है, ना अमूल का ना थैली में, नेचुरल दूध और इसकी बनाएंगे चाय, फिर हम आगे जाके पिएंगे। तो गाइस हम लोग पहुँचे अभी व्रजवाणी जो मंदिर है पीछे, मेरे पीछे जो मंदिर है व्रजवाणी, और अभी टाइम हो रहा है 1:34। सो जस्ट अभी पहुँचे हम लोग, अंदर जाएंगे फिर मंदिर खुला होगा तो फिर दिखाते हैं, शूटिंग अलाउड है या नहीं है देखते हैं, अभी अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं अंदर और देखते हैं। मेरे पीछे जो मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है यहाँ पे, राधा कृष्ण का मंदिर, और उसके चारों ओर जो आई रानी थी 140 जिन्होंने अपना प्राण त्याग कर दिया था, उन सारे का स्टैचूज लगा हुआ है। सो मैं दिखाता हूँ पहले मंदिर और फिर दिखाता हूँ पूरा स्टैचू। लोग यहाँ पे हैं अभी ब्रजवाणी का मंदिर, ये मेरे यहाँ पे पीछे मंदिर हो, और यहाँ पे जो 140 आई रानी जिन्होंने प्राण त्याग कर दिए थे, तो उनका ही पूरा स्टैचू जैसे समाधि ये लगा हुआ है। तो ये जो जगह है इसका इतिहास कुछ इस तरह से कि हर साल यहाँ पे मेला होता था, और इस मेले में एक रास गरबे का आयोजन होता था, जहाँ पे यहाँ पे कम्युनिटी है आयर और आहिरानी करके जो उनकी लेडीज़ वुमन रहती थी, वो यहाँ पे रास गरबा खेलती थी इस मेले में। तो एक साल ऐसा हुआ, एक डोली आया था, बोलते हैं वो श्री कृष्ण का साक्षात अवतार थे, तो उन्होंने उस साल वो ढोल पे चालू किया अपना बीट, और यहाँ पे आहिरानी ने पूरी रात पूरा दिन दो दिन तक उनके पैर नहीं थमे थे। फिर जो लोग थे वो गुस्सा हो गए कि ये लोग घर बार छोड़ के सब पूरा खेलने में मशगूल है, तो चलो चलते देखते हैं क्या है, कौन सा है पाखंड, ये डोली क्या है। यहाँ पे आए फिर देखा कि डोली अपना डोल बंद नहीं कर रहे, और 140 जो आयरानी थे खेल रहे थे, उन्होंने कंटिन्यूस उस बीट पे खेल रहे थे दो दिन तक, सब अपने बच्चे को सब अपना घर बार भूल चुके थे। तो इन लोग ने गुस्सा होकर फिर वो जो डोली था उसका तलवार से सर कलम कर दिया, और ऐसा कहा जाता है कि वो दर्द जो सर से कलम हुआ उसके बाद थोड़ी देर तक वो कंटिन्यूस बजाता रहा, और जैसे ही ढोली का प्राण निकला 140 जो आयरानी थी वहाँ पे खुद ने ऑटोमेटिकली अपना प्राण त्याग कर दिया, और यहाँ पे उनकी समाधि है। तो आज भी लोग बोलते हैं कि उनकी समाधि में अगर कान लगा कि आप थोड़ा फील करोगे तो आपको एक बीट सुनाई देगी, एक कंपन सी महसूस होती है। सो ये जगह का ऐसा कुछ इतिहास है। चलो देखते हैं, अभी समाधि भी है वहाँ भी देखना है। मंदिर ने आपको दिखा दिया, और पीछे जो इन लोगों का लगाया हुआ 140 जो थे आयरानी उन सब का एक मूर्ति बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप प्रसाद भी ले सकते हो। और ये कुछ इस तरह से एक इतिहास है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जो लोग जा रहे हैं धोलावीरा में उसको रिकमेंडेशन ज़रूर करूँगा, एक बार आप यहाँ मंदिर पर आ, ये मंदिर यहाँ से 15 किलोमीटर ही अंदर है रोड पे, जो आप मेन रोड पे जाते हो वहाँ से, तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन मंदिर है। मैंने यहाँ पे एक वाइब देखा, एक सुकून, एक फील है, एक शांति मिलता है, एक पीस है। तो आप ज़रूर आइए, हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, प्रसाद लेंगे और फिर हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो फिलहाल अभी दिखाना है आपको जो समाधि है वो भी दिखाता हूँ। तो ये है वो समाधि स्थल जहाँ पे 140 आयरानी ने अपना प्राण त्याग कर दिया था और समाधि ले ली थी। तो ये जगह है ओरिजिनल, और ये जो मंदिर है इसके एग्जिट पीछे है। तो यहाँ पे पूरा उनका स्टैचू जैसे समाधि बना हुआ है। तो यहाँ पे आते हो मंदिर में, तो यहाँ पे भोजनशाला है, आप खाना यहाँ पे खा के ही जाएगा, यहाँ पे प्रसाद लेना, मतलब एक होली फीलिंग से।
तो हम लोगों ने लिया अभी यहाँ पे प्रसाद, वो फिनिश करेंगे फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो ये है दाल, चावल है, ये सब्जी है, रोटी छाछ है, और ये स्वीट में और ये नमकीन में। सो अभी ये करते हैं फिनिश और फिर आगे निकलते हैं। तो यहाँ पे सर्विस जो सेवा देते हैं वो 154 बटालियन BSF वाले। अच्छा, वो लोग यहाँ पे सेटअप पूरा करके गए। अच्छा बढ़िया, चलो तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन मिली हमें। तो अभी हो गया अच्छे से दर्शन, प्रसाद भी खा लिया हम लोग यहाँ पे, और अभी टाइम हो रहा 2:20 और अभी हम लोग निकल रहे हैं धोलावीरा के लिए। तो अभी रास्ते में कोई ब्रेक नहीं होगा, हम लोग डायरेक्टली ट्राई करेंगे धोलावीरा जल्दी पहुँच जाए, क्योंकि वहाँ भी बहुत कुछ है, अगर बंद हो जाएगा जैसे म्यूज़ियम है वो कुछ 5 बजे के बाद शायद आई थिंक बंद हो जाता है, तो 5 बजे से पहले हम लोगों को वहाँ पहुँचना है। तो मेरे पीछे पूरा जो मंदिर है, ये पूरी जगह है ये मंदिर की, तो हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, बहुत टाइम भी स्पेंड कर दिया यहाँ पे, और खाना एकदम बढ़िया सा खाना था, घर जैसा ही खाना था। तो आप आओ तो प्रसाद लेकर ही जाना। सो फिलहाल अभी निकलते हैं, जल्दी से अपनी गाड़ी लेते और फिर सीधा धोलावीरा की ओर। यहाँ से स्टार्ट होता है जो कच्छ का है, जो छोटा रन बोलते हैं, स्मॉल रन। मेरे पीछे देखो यहाँ पे ड्राई है, और मेरे इस साइड पे है पूरा पानी से भरा हुआ, जो नमक का पानी है, नमक जमा होता है वो। दोनों तरफ अलग ही लैंडस्केप है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा 5 किलोमीटर है, यहाँ से ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। सो अभी टाइम हुआ है 4 बजे और हम लोग पहुँचे हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा, और मेरे पीछे है यहाँ पे है म्यूज़ियम, और बाकी का जो है पॉइंट व्यू पॉइंट वहाँ पे दिखा हुआ बोर्ड वहाँ पे सब है। सो फर्स्ट हम लोग विजिट करेंगे म्यूज़ियम, क्योंकि वो फिर बंद हो जाएगा। सो फिलहाल म्यूज़ियम देख, तो अभी हम जाते हैं अंदर और नाम वाम यहाँ पे लिख दिया पीछे, वहाँ पे नाम लिखते हैं, गाड़ी नंबर लिखते हैं, फिर अंदर एंट्री होती है। सो चलो स्टार्ट करते हैं, अगर अंदर होगा परमिशन तो मैं आपको दिखाऊँ, तो अदरवाइज फ़ोटो लेके मैं आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ पे है बोर्ड, आप यहाँ पे स्टॉप करके आप पढ़ सकते हो, जो जो भी यहाँ पे है सब वहाँ पे लिखा हुआ है, गुजराती में भी, हिंदी में और इंग्लिश में भी है। और जो चीज़ें यहाँ पे निकली थी उन सबका यहाँ पे फोटोग्राफी है, जो चीज़ें एक्सकेवेशन के टाइम पे मिली थी ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरा नगर है और वहाँ पे पूरा मैप दिया हुआ है, तो आप पॉज करके देख सकते हो। तो वो जो बोर्ड था वहाँ पे बोलते हैं ये कुछ लिखा हुआ है, आज तक किसी के समझ में नहीं आया और कोई भी पढ़ नहीं पाया इस लिपि को। एक्सेलेशन के टाइम पे जो निकले थे उसमें से कुछ पार्ट यहाँ भी है, ये सारी चीज़ें एक्सेलेशन के टाइम पे।
सो हम लोगों ने अभी म्यूज़ियम विज़िट कर लिया, वहाँ पे फोटोग्राफी खाली फ़ोटो लेने के लिए, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, और थोड़ा बहुत शॉर्ट्स लिए उसके बाद बंद कर दिए। जो जो चीज़ें निकली थी वहाँ से उसको सब म्यूज़ियम में रखा हुआ है, और अभी हम लोग जाएंगे जहाँ पे वो पूरा नगर निकला था, वो पूरा शहर था, तो वो वाले साइड पे अभी फ़िलहाल जा रहे हैं हम लोग, और फिर वहाँ जाकर बताते हैं वहाँ पे कैसा वो जो वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा मॉडल है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे है, तो वहाँ जाकर एक बार अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ये लिखावट है वो आज तक किसी को समझ में नहीं आया, ये था जो गेट था मेन, वो गेट पे लिखा हुआ था, बट ये कौन सी भाषा है आज तक समझ में नहीं आया किसी को भी, और अगर ये समझ में आ जाएगी तो बहुत सारे ऐसे रहस्य है जो धोलावीरा और जो सिंधु संस्कृति उसके बारे में, तो वो उजागर हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल अभी इस पर कोई भी आज तक समझ नहीं पाया इस लिपि को। तो ये है कुछ डिटेल्स कंपोनेंट ऑफ धोलावीरा, जो जो धोलावीरा का घटक है वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आप पॉज करके देख सकते हो। सो मैं हूँ अभी वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा, और मेरा जो पीछे है वो पूरा एक्सपेक्शन के टाइम पे निकला था वो है। तो यहाँ का इतिहास कुछ ऐसा है कि अर्ली 1916 में एक यहाँ का ही लोकल मिस्टर संबोधन गढ़वी ने इसको डिस्कवर किया था, उसके बाद अपना जो आर्कोलॉजिस्ट है JP जोशी, उन्होंने ऑफिशियली 1967 और 1968 के बीच में डिस्कवर किया था। उसके बाद 1990 से फिर उसका एक्सकेवेशन चालू हुआ था और 2005 तक वो चला था। वाटर हार्वेस्टिंग है वहाँ पे, यहाँ पे जो राजा रहते थे उसका महल है, फिर जो पानी था एक तालाब में से दूसरे में से तीसरे में जाता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। जो जो चीज़ें यहाँ से निकली थी वो पूरी म्यूज़ियम में रखी हुई है, तो वहाँ पे आप फ़ोटो ले सकते हो, बाकी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे आप शूट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, और सारी चीज़ें सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। अगर कुछ भी चीज़ को कुछ नुकसान होता है तो यहाँ पे फ़ाइन भी है, तो आप कोई चीज़ को ऐसे टच मत करो या कुछ ख़राब मत करो, जो चीज़ें जैसी है जैसे निकली है वैसे ही रहने दो। तो ये जो शहर था बोला जाता है कि वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट अरबी संस्कृति का जो शहर, उसमें से 5वें नंबर पे ये आता है, इतना बड़ा है, यहाँ पे सिटी बनाया गया था। तो इसका एरिया है बहुत ही बड़ा है, जैसे आप मैंने दिखाया तो पूरा ने दिखा, पूरा एक ही फ्रेम में दिखाना मुश्किल है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है, तो सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ अपने लेंस के थ्रू। ये पीछे देखो ये लगाए हुए पत्थर, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप लगाए हुआ है, देखो आज के ज़माने में भी लोग नहीं लगा सकते इस तरह से लगाया हुआ है, ये एक लाइन देख लो, ये पूरी प्रॉपर लाइन बनाई हुई है। तो उस टाइम में भी ऐसे इंजीनियरिंग्स वो एक कमाल की थी, क्योंकि वो इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, और उसके बावजूद भी इस तरह से बनाना तो अपने आप में बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग का काम है। और यहाँ के जो ईंट थी बोलते हैं कि वो एक वाटरप्रूफ है, उस टाइम पे वाटरप्रूफ बनाना, जैसे कॉल या एक एल्यूमिनियम आता है वो यूज़ करके बनाते हैं, इस तरह से ये पूरी बनाई जाती है। एक यहाँ पे कुआं है, एक यहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें एक्सकेवेशन के टाइम पे निकली थी। फिर यहाँ से देखो अभी भी नीचे पानी दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिखता होगा शायद, लेकिन अभी भी पानी भरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें एक में से दूसरे में से तीसरे में ऐसे कुएं में आती थी, फिर उसको पीने के लिए यूज़ करते थे, तो कुछ इस तरह से बनाया हुआ था पूरा स्ट्रक्चर इन लोगों ने। तो ये जो हरप्पन संस्कृति का जो ये सिटी निकला हुआ है, ये बोल रहे हैं कि 5000 ईयर्स पहले का है ये संस्कृति, और बोला जाता है कि जो ग्रेट पिरामिड है इजिप्ट का उससे भी पुराना शहर है, जो विकिपीडिया करोगे उसमें भी मिलेगा आपको। तो ये इतना पुराना है और आज भी जैसे देख रहे हैं हम जो बांधकाम है उसका कंस्ट्रक्शन है वो आज भी ऐसे ही है जैसे पहले था। तो एक्सकेवेशन के टाइम पे जैसा निकला है अभी तो बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा कि ये इतना पुराना हो सकता है, आप यहाँ पे आकर देखोगे तो आपको पता चलेगा, बट कैमरे में इतना समझ में नहीं आएगा। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका अंत कैसे हुआ किसी को पता नहीं है, कोई बोलते हैं यहाँ पे सूखा ज़्यादा था तो वो सूखा बढ़ता गया, उसके बाद पूरा बंजर हो गया, लोग यहाँ से माइग्रेट करके चले गए, कोई बोलता है भौगोलिक जैसे परिवर्तन आए उसके बाद ये सारा अंदर चला गया, तो अलग अलग है, अभी तक कोई समझ नहीं पाया इसका एंड कैसे हुआ। और ये पूरा एरिया है, ये पूरा एक्सकेवेशन के टाइम पे ये पूरा मिला हुआ है। तो इस तरह से पूरा ये रहस्यमय शहर जिसको बोल सकते हैं, एक रहस्य अपने साथ ही दफन होकर चला गया। और यहाँ का जो लिपि, जो भाषा बोलते हैं, वो भाषा जो निकला है वो आज तक कोई समझ नहीं पाया, अगर वो समझ में आ जाता है तो फिर बहुत सारे राज हैं इसको लेकर, तो वो खोल सकते हैं। तो अभी मैं हूँ सबसे टॉप वाले पॉइंट पे, सो हम लोगों ने सारे कवर कर लिया, अभी फिर जाएंगे नीचे
और उसके बाद हम लोग यहीं पे आज कैंपिंग करेंगे, तो देखते हैं कैसे होता है। अगर कोई पॉइंट मिल जाएगा कैंपिंग के लिए तो यहीं पे कैंपिंग करेंगे, अदरवाइज़ फिर कोई रेंट पे टेंट ले लेंगे या फिर कोई होम स्टे जैसा होगा वो ले लेते हैं। सो फिलहाल अभी ये साइट पे यहाँ पे करते हैं कंप्लीट और फिर निकलते हैं आगे के लिए। सो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, इसका पॉइंट का नाम है छिपर पॉइंट और ये फ़ोटो के लिए एक एक्सट्रीम लोकेशन है और रास्ता थोड़ा ख़राब सा, मेन रोड है यहाँ से 2 किलोमीटर का, बट उसके बाद का जो व्यू है मैं आपको दिखाऊंगा वो एक मेस्मराइजिंग व्यू है, एक नेक्स्ट लेवल का व्यू। यहाँ से आप देखोगे पूरा डेजर्ट दिखेगा और ये पूरा रण है। और तो आज का ये लास्ट पॉइंट और यहीं पे फिर हम लोग थोड़ा कैंपिंग करेंगे और रुकेंगे, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस अभी हो चुका है हमारा फोटो सेशन यहाँ पे एंड और अभी हम लोग को करेंगे यहाँ पे कैंपिंग और कुछ खाना पीना बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे का सोचेंगे। सो फिलहाल अभी हो चुका है यहाँ पे फोटोशूट पूरा एंड और आपको फ़ोटो देखना है आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो नीचे आ रही है उस पर आप फॉलो कर सकते हो और फोटो दे सकते हो। सो बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लिए और रील्स भी बनाई है तो वो मिलेंगे पूरा मेरे इंस्टाग्राम पे। सो फिलहाल अभी मेरा मुझे टेंट का पूरा सेटअप करना है, सो फिर निकालते हैं और फिर टेंट टीम सेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ खाएँगे और चाय भी बन रहा है, पीछे बन रहा है हमारा चाय, तो वो चाय पियेंगे उसके बाद देखते हैं आगे का प्लानिंग क्या होता है, यहीं पर रुकेंगे फिर आगे चले जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर बन रही है हमारी चाय, एक्सपर्ट है चाय में बहुत भाई, हाय बोल दो। हाय। वो देखो कैसा सेटअप किया हुआ, हमारे पास स्टव नहीं था, एंड मोमेंट पे वो मिला नहीं, तो ऐसा कुछ सेटअप है। टेंट बन के हो चुका है रेडी मेरे पीछे, मैंने बना दिया टेंट और ये रेडी है टेंट और यहाँ पे अभी तक चाय नहीं बनी है भाई, कब से लगा रहे हैं मेरे से पहले इसने चालू किया था चाय बनाना, लेकिन मैंने टेंट लगा दिया इसकी चाय अभी तक नहीं बनी है। हवा तेज है भैया, हवा तेज, हवा काफ़ी तेज है। सो ये टेंट हो चुका है सेट, तो यहाँ पे जैसे दिखा दो एक ही दो आदमी इसमें सो सकते हैं, अभी चाय पियेंगे फिर ये सारे जो बिखरा हुआ उसको साफ करेंगे। तो मुझे लगता है यहीं पर करना चाहिए मुझे व्लॉग का एंड, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया, यहाँ तक देख लिया तो एक लाइक बनता है, और जो मेरे चैनल पर नए हैं लोग उसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को आप क्लिक कर दो ताकि आपको जो भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो फिलहाल चाय पियेंगे उसके बाद खाएंगे और आगे की जर्नी शायद अंधेरा हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सो सुबह देखेंगे, कल का कुछ प्लानिंग है वो कल ही बताऊँगा। सो फिलहाल यहीं पर करते हैं एंड, अच्छा लगा हो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जो भी चीज़ अच्छी लगी हो कमेंट में बता देना, और चलते हैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे वाले वीडियो बनाएंगे, कल भी एक अच्छा सा प्लानिंग है अगर हो जाता हो। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।